दोस्तों आज बड़े दुखी मन से मैं ये लाइव कर रहा हूं और आज इतना गुस्सा भी मुझे आ रहा है पूरे सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम की बलि एक और हमारा भाई उत्तराखंड का बेटा इसकी बलि चढ़ गया। कमलेश नाम का लड़का, अभी अभी एक वीडियो आई है, आप सबने देखा भी होगा उस वीडियो को, जिसमें वो सुसाइड आत्महत्या कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और बागेश्वर के एक अस्पताल में कमलेश दम तोड़ देता है। इससे घटिया, इससे शर्मनाक बात उत्तराखंड के लिए और क्या हो सकती है कि वो इस सिस्टम की बलि चढ़ गया, जो अपनी वीडियो, लास्ट वीडियो में ये कह रहा है कि कोई भी अग्निवीर की परीक्षा ना दे, अग्निवीर भर्ती में कोई भी ना जाए, क्योंकि ये सब फर्जीवाड़ा है। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट उसका था, फिजिकल में 100 नंबर उसके पास आए थे, उसके बाद भी वो इस पूरे सिस्टम की बलि चढ़ी। केवल कमलेश ही ऐसा लड़का नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा एक लड़का और जिसका पटवारी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो भी सिस्टम की बलि चढ़ गया। बलि क्यों कहें, इसको कहें हत्या उसकी कर दी गई है इस पूरे सिस्टम के द्वारा। जो सूट बूट में पहने हुए अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में जो बैठते हैं, जो नियम कानून लोग बनाते हैं, उसकी बलि, उसकी हत्या इन बड़े बड़े अधिकारियों ने, ये सफेदपोश नेताओं ने आज कर दी। मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है इस बात को लेकर कि उत्तराखंड का युवा कितनी मेहनत करता है। एक वीडियो और वायरल हुआ था जो आपने देखा था कि एक लड़का दिल्ली में एक होटल में नौकरी करता है और रात के 12 बजे जब वो घर जाता है तो वो रेस मारते हुए जाता है, क्योंकि एक जज्बा होता है देशभक्ति का उत्तराखंड के जो युवा है उनके अंदर कि वो फौज में जाएंगे और इतनी मेहनत करते हैं, अपने परिवार को भी पालते हैं और दूसरी तरफ वो मेहनत भी करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन फौज में हो जाए। लेकिन उस सिस्टम की बलि एक और हमारा भाई कमलेश चढ़ के, अब क्या किया जाए इस सिस्टम का। पीएम मिश्रा जी लिखते हैं, बहुत दुख इस बात का हो रहा है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी दुखदायी, कितना पीड़ा देने वाली ये घटना है। एक हमारा उत्तराखंड का जो लाल है, एक शहीद हो गया है केवल इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण, क्योंकि वो अग्निवीर में भर्ती नहीं हो पाया। और अग्निवीर में भर्ती इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये जो भ्रष्ट सिस्टम चारों तरफ हमारे घूम रहा है ना, इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण। ये इसके लास्ट वर्ड आप सुनिएगा, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं, ये क्या कुछ उसकी पीड़ा है उस समय की जब वो, ये सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है मेरे पास जहर, मैंने इतनी मेहनत की थी सारा, पहले तो सालों ने पहले भर्ती में ड्रेस ड्रेस निकाल दी, उसमें रिजेक्ट किया सालों ने, अभी सारा एनसीसी सर्टिफिकेट है और फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं क्या करूँ यार। चलो ठीक है यार, मैं बोल रहा हूँ अग्निवीर भर्ती आएगी, मत करना ट्राई। इसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है मेरे पास यार, मैंने इतनी मेहनत की थी साला, पहले तो सालों ने पहले भर्ती में ड्रेस ड्रेस निकाल दी, उसमें रिजेक्ट किया सालों ने, अभी सारा एनसीसी सर्टिफिकेट है और फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं क्या करूँ यार। कुछ सोचिएगा, रोते रोते इस बात को वो कह रहा है कि एनसीसी सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैंने रेस भी निकाली है, पहले उसमें उन्होंने ड्रामा किया, फिजिकल में इसके 100 में से 100% जिसके नंबर आए हैं, और उसको बाहर कर दिया, लास्ट चारा उसके पास रह क्या गया। और हमारे मंत्री संतरी जितने भी अधिकारी हैं, शायद इनको कोई फर्क पड़ा हो क्योंकि इनके बेटे तो फौज में जाते नहीं है, और एक देश का युवा उसके साथ ये हाल हो रहा है। ये केवल बात कमलेश की नहीं है, ये बात ना जाने कितने कमलेश और उत्तराखंड में ऐसे ऐसे हैं जो इस पूरे सिस्टम की बलि चढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। कभी हम देखते हैं कि यूके SSSC में घपला घोटाला हो जाता है, वहां पे कोई हाकम सिंह निकल के आ जाता है, कभी हम देखते हैं कि उसके बाद UKPCS में घपला घोटाला हो जाता है, सहकारिता बैंक में घपला घोटाला हो जाता है, विधानसभा बैकडोर भर्तियों में घपला हो जाता है, एक दर्जन से ज्यादा ऐसे विभाग और ऐसे जो सामने पे आए हैं जिसमें घपला घोटाला हो जाता है और ऐसे बलि चढ़ते हैं जो मेहनती युवा हैं, क्योंकि इसके घर से बड़ा प्रेशर था। अमूमन हर किसी के होता है, जो एक गरीब परिवार से जो रहते हैं वो अपना 100% देने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो शायद सुसाइड करने के अलावा उनके पास कोई और उपाय भी नहीं रहता। सुसाइड में से गलत कह रहा हूं, ये तो आत्महत्या है इस भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा। और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा, तमाम रोजगार बस्ती उत्तराखंड में लगी हुई है,
केवल चुनाव के समय पे इस रोजगार बस्ती को हटाने का प्रयास किया जाता है। मैंने लगातार खबर आपको दिखाई थी, इस समय चुनाव हो रहे थे, उस समय रोजगार बस्ती गांधी पार्क के सामने लगी। एक तरफ मोदी जी भाषण वहां पर दे रहे थे, उत्तराखंड के जवानी, उत्तराखंड का पानी और जवानी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ उत्तराखंड की जवानी धरने प्रदर्शन कर रही थी। और अभी भी वही हाल है। आप देखिएगा, इरिगेशन वाले वहां पर बैठे हुए हैं, नर्सिंग वाले वहां पर बैठे हुए, उपनल वाले वहां पर बैठे हुए थे। अभी तक उनको वादा किया गया था चुनाव के समय में, और सतपाल महाराज जी भी कहते हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं, उनका एक बयान आता है, क्योंकि जो 228 इरिगेशन वाले वहां पर बैठे हुए थे, उनको कहा जाता है, जब वो कहते हैं कि हमारा एक आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, कहना सरकार एक केस और झेल लेगी, क्या फर्क पड़ता है। ये सतपाल महाराज जी के वर्डिंग थे, जो वहां पर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने बताया था। तो ये हाल उत्तराखंड का हो गया है। बस एक बार किस तरीके से धर्म के नाम पर इन्हें जिता दीजिएगा, ऊंची ऊंची बात कर दीजिएगा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, और उसके बाद जनता को भेज दीजिएगा मरने की हालत में, कोई कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। दीवान सिंह जी लिखते हैं कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। बिल्कुल, ये मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, ये आत्महत्या नहीं है, हत्या। इसकी भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, कि आखिर वो लड़के को ऐसी क्या नौबत आन पड़ गई जो उसकी आत्महत्या उसने करनी पड़ गई है। जब सर्टिफिकेट उसके पास थे एनसीसी के, 100% फिजिकल उसका पूरा था, उसके बाद भी 5 साल अग्निवीर बनने का मौका उसे नहीं मिला। दीवान सिंह, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। बहुत दुखद, बिल्कुल बहुत दुखद है ये पूरी घटना, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अंकिता, जैसे यहां पर खुलेआम हत्याएं यहां पर हो रही है, देवभूमि उत्तराखंड इसको कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो असुर भूमि अब बनने जा रही है, जिस प्रकार के यहां पर काम यहां पर हो रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जो शायद ही कभी हमने सुनने को मिली थी। देवभूमि के बजाय यहां पर असुर भूमि ये होनी शुरू हो गई। लगातार हम लोग भी खबरें उठाते हैं, लगातार हम लोग आपको खबरें दिखाते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा, इन खबरों का ना जाने कोई क्यों असर क्यों नहीं पड़ता इन पूरे सिस्टम पर, इतना अड़िग ये सिस्टम हो गया। पीएम मिश्रा जी का थैंक यू सो मच सर, युवाओं की आवाज उठाने के लिए। आपसे ही मैं पूछता हूं कि आखिर अब किया क्या जाए इस पूरे सिस्टम के ऊपर, कि यूं ही हम इन्हें जिताते रहेंगे? कोई भी आ जाए विधायक, मोदी जी के नाम पर हमने जिता दिया उन्हें, कोई भी अधिकारी कुछ भी नियम कानून बना रहा है, उसको खुद कुछ नहीं पता है, और हम लगातार इनको जिताने पे लगे हुए, आखिर किया क्या जाए इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए? वैष्णव जी लिखते हैं, यशवंत वंश जी लिखते हैं कि हमारे भाइयों के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। राजेश पांडे लिखते हैं, रोजगार देने के हित में नहीं है, सरकार को इनको हटाना चाहिए। आप ये देखें ना, उस समय के मुख्यमंत्री जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, खुद एस राजू जो UK SSC के अध्यक्ष थे, उन्होंने 5 बार इसमें FIR दर्ज करवाई थी इस पूरे टोटल मामले में, कि कहां कहां घपले घोटाले हैं, 5 बार FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन पूरा मामला बंद कर दिया गया। जांच उस समय भी हुई थी, लेकिन जांच को बंद कर दिया गया। अगर उस समय ये सब चीजें हो जाती, सिस्टम सुधरना अगर शुरू हो जाता, अगर मनसा इन सरकारों की होती सिस्टम सुधारने की, केवल मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलने पे लगे हैं, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत आ जाते हैं, फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत आ जाते हैं, फिर धामी जी आ जाते हैं, अब ना धामी जी के बाद ना जाने कौन। और हमें लगता है कि नया मुख्यमंत्री कोई आया है तो हो सकता है नयापन कुछ उसमें दिखाएगा, लेकिन हमेशा 2.5 के 3 पात जिसे हम कहते हैं, वही हमें देखने को हमेशा मिलते हैं। उत्तराखंड, सुनील नेगी जी लिखते हैं, उत्तराखंड वालों जाग जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें हम सबको जागने की जरूरत है, हमें तितर बितर इन्होंने कर दिया है। अलग अलग, आप ये देखेगा, अलग अलग मुहिम छेड़ी हुई है, धरने प्रदर्शन होते हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं, मांग सबकी एक ही है, लेकिन अलग अलग सिस्टम की भेंट लोग चढ़ जा रहे हैं। कभी ये 8 भर्तियां कैंसिल कर देते हैं, कभी कोई सी भर्ती कैंसिल कर देते हैं। सुनील नेगी जी लिखते हैं कि उत्तराखंड वालों जाग जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। वसुदेव लिखते हैं कि हम सभी महेंद्र बनवाली भाई, मुझे लगता है कि फिर गुलाम होगा अग्निवीर। आपका शायद कमेंट ऊपर चढ़ा गया है पूरा। राजेश पांडे लिखते हैं, रोजगार देने के हित में नहीं है सरकार। रोजगार में सबसे फिसड्डी, स्वास्थ्य में सबसे फिसड्डी उत्तराखंड, विद्या स्कूलिंग में सबसे फिसड्डी, एजुकेशन के मामले में सबसे फिसड्डी, सड़कों की हालत में सबसे फिसड्डी, लेकिन उसके बाद
हम जागने को तैयार नहीं हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं हम सवाल सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों डर लग रहा है। आज अंकिता वाला मामला इतना बड़ा मामला था, उसका भी कुछ पता था पता नहीं, अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हो पाई है। मीडिया वालों को कहा जाता है कि आप इसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत कीजिएगा, गलत सलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, मतलब अब इन्फॉर्मेशन भी इनके इनके इनसे ही तय होगी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मीडिया को देनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन मीडिया को नहीं देनी चाहिए। बची खुची शायद ही कुछ 2-4% मीडिया बची है उत्तराखंड में, ये पूरे देश की मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनका भी गला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरा खोखला हो चुका है सिस्टम, और इसका जीता जागता सबूत यही है कि जो आज कमलेश ने जो सुसाइड किया है ना, इसका जीता जागता सबूत है ये, जो इसकी हत्या हुई है ना कमलेश की, इस पूरे सिस्टम की जो बलि इस चढ़ा है। तो जाते जाते आप खुद मनन इस चीज का करिएगा कि आखिर उत्तराखंड में ये सब चीजें हो क्यों रही है, क्यों कमलेश जैसे, क्योंकि कमलेश पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा एक उत्तरकाशी का जो लड़का था उसने भी सुसाइड किया था। इसी वजह से सुसाइड किया था क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी, उसका चयन नहीं हो पाया था, क्योंकि हाकम सिंह जैसे लोग वहां पर बैठे हुए थे उस समय, और इनको संरक्षण कौन लोग दे रहे थे, यही नेता जो इनके साथ सेल्फियां लेते हैं, जो इनकी माता के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाते हैं कि माता बीमार हो गई है चलो हेलीकॉप्टर, और वहां पहाड़ों में गर्भवती महिलाएं मर रही हैं, वहां 7-7, 8-8 किलोमीटर कंडी पे उन्हें ले आना पड़ता है, संरक्षण भी खुद ही देंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। तो सोचिएगा, मनन जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद आज कमलेश है कल कोई और हो, तो इस चीज का मनन जरूर कीजिएगा।